का स्वागत है। आइए देखते हैं सबसे बड़ी खबर। चौगान ग्राम की तरह ही ब्रह्मपुरी विधानसभा क्षेत्र में चौगान टोले के लोगों को भी अब तक नहीं मिल पा रहा है 50 वर्षों से जमीन के पट्टे। देखते हैं गांव वालों का क्या है इस बारे में कहना। हम लोग इस वक्त मौजूद है, लगभग यह ब्रह्मपुरी विधानसभा का ही इलाका है, चौगान आबादी टोली करके यह गांव है। लगभग चौगान से 3 किलोमीटर दूर यह गांव बसा हुआ है और इस गांव में पहुंचे हैं। यहां भी लोगों ने काफ़ी अपनी समस्याएं, जो इनके गांव वाले क्या क्या समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उस पर हम अब गांव वालों से चर्चा करेंगे। पहले बताइए आप मुझे, क्या नाम है आपका? सारंग ईशन वागदरे। वागदरे जी, आपके गाँव में रोजगार के क्या साधन हैं? रोजगार का साधन या वर्ष नहीं का हाँ रोजगार हमें लावतो म्हणला। हाँ रोजगार हमें लागली नहीं। अच्छा सब लोग ये थी मजदूर लोग है, सारे लोग मजदूर है, ये तुम सर्व मजदूर लोग है। अच्छा तो आपके गांव में रोजगार का कोई साधन नहीं है? नहीं। तो फिर अभी आप अपनी उपजीविका कैसे कर रहे हैं, यानी आप कैसे, यानी आपके जो संसार को चलाना है, आपका घर गृहस्थी चलानी है, उसको कैसे क्या कर रहे हैं? मजदूरी करते किसान वगैरह बाहर जाकर मजदूरी करके मजदूरी कर पोट भर। तो क्या लगता है यहाँ के विधायक जो है विजय वडेट्टीवार, आपके रोजगार के साधन मुहैया कराने में आपके सफल रहे कि असफल रहे, यानी वो निष्क्रिय असफल रहे ना? अच्छा क्या नाम है आपका? युवराज मानसाराम बगमारे। बगमारे जी बताइए, आपके गाँव में जो शिक्षा है या हेल्थ है, जो यानी अस्पताल वगैरह, ये साधन बराबर है आपके गांव के? और टाइम शिवर में नहीं चल रहा है, बराबर टाइम से नहीं है, नहीं है। यहाँ डॉक्टर वगैरह नहीं रहते। यानी आप लोगों को अगर स्वास्थ्य सेवा, यानी आपको अस्पताल वगैरह जाना है, कोई बीमार हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में आपको ब्रह्मपुरी जाना पड़ा। सेवा नहीं देते। अच्छा यहाँ शिक्षा के स्कूल वगैरह कोई आपके गाँव में है? उसमें टीचर वगैरह आते समय? टीचर बराबर नहीं आते, एक ही टीचर है, चार वर्ग है, एक ही टीचर है और चार वर्ग है। बाप रे, यानी काफी समस्या है। हाँ। तो इस संदर्भ में विधायक से कभी आपकी कोई किसी की चर्चा या गांव वाले कभी जाकर समस्या लेकर? ये मुलाकात हुई नहीं अभी, वो विधान वाले आए ही नहीं। अच्छा वो विधायक कब आते हैं आपके गांव में? नहीं आए वो अभी, यानी 5 सालों में आए नहीं। चुनाव के दौरान तो आए होंगे, जब उनका 2014 के दौरान अभी आएंगे और अभी आएंगे वो, यानी काफी, यानी आपको दिक्कतें ही है। क्या नाम है? भाग्यवान अर्जुनकर। अर्जुनकर जी बताइए, आपका जो गांव है, इस गांव में खेती के अलावा कोई रोजगार है? खेती के अलावा दूसरा कोई रोजगार नहीं है। फिर रोजगार कुछ भी नहीं है? हाँ। अच्छा तो रोजगार का कभी कोई मेड़ावा वगैरह हुआ आपके गांव में, यानी जैसा कोई कार्यक्रम आयोजित कराते हैं रोजगार के संबंध में? हाँ। ऐसा हुआ था क्या? बताते फिर लगाते नहीं काम पे। अच्छा काम पे नहीं लगाते। हाँ। अच्छा यहाँ किसान, आपके यहाँ किसान ही है? और किसान है पूरे। कितने एकड़ है आपको? किसान मतलब खेती नहीं है उसमें, इधर नहीं क्या? अच्छा खेती नहीं है। हाँ। मजदूरी पे ही जाते हैं? हाँ। यहाँ के पूरे लोग? हाँ मजदूरी पे ही जाते हैं। तो क्या लगता है यहाँ, क्या लगता है आपको कि आपका जो क्षेत्र है? हाँ। विकास से कोसों दूर है? हाँ तो उस जगने को थोड़ा काम ही लगता है फिर। अच्छा हाँ तो काम के मामले में आपके जो यहाँ के क्षेत्र के काम को डेवलप करने में विधायक निष्क्रिय रहे? तो फिर क्या कैसा हो रोजगार हमें लगाते हैं, वो बोलते फिर लगाते नहीं फिर। अच्छा बोलते और लगाते नहीं फिर। हाँ अच्छा हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है? हाँ। वो आपके गांव में है? मिली नहीं फिर, क्योंकि नमूना आठ नहीं है बोलते ये गांव का, जगह ये पूरी नहीं क्या, सरकार के बोलते हो, फॉरेस्ट की जमीन है बोलते हैं। लेकिन आप कितने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ? से 50 वर्ष हो गए। 50 साल हो गए आपके यहाँ? 50 से ज्यादा हो गए। 50 से ज्यादा साल हो चुके आप लोग यहाँ रह रहे हैं। हाँ। यानी आपकी 3 पीढ़ियाँ हो गई अभी समझो इस गांव में, लेकिन अब तक जमीन का पट्टा भी नहीं मिल पाया है। नहीं मिला है। और कौन सी शासकीय, क्या लगता है आपको कोई योजना वगैरह, शासकीय योजना आपके गाँव में सरकारी योजना चाहिए ना? बेरोजगारी भत्ता चाहिए। हाँ। तो वो भत्ता वगैरह, अच्छा आपने फॉर्म वगैरह भरा है? फॉर्म भरा नहीं है, गए थे। हाँ वहाँ पे तो क्या बोले वो लोग? वो लोग बोले दिया ही नहीं, फॉर्म ही नहीं दिया आपको। उसका जवाब ही नहीं दे पाए। अच्छा अभी जो आपके गाँव के गाँव में जो शिक्षा है, यानी टीचर वगैरह, जैसा यहाँ हमें बताया कि एक ही टीचर है, तो इस संदर्भ में कभी गाँव वालों ने विधायक से चर्चा की या ग्राम पंचायत या जिला परिषद वगैरह कभी कोई हुई है चर्चा? अभी मैं बाहर में रहता हूँ। अच्छा बाहर रहते? क्या नाम है आपका? सूरज नाना जी। घर ऐसे आ जाओ।
क्या लगता है आपको कि रोजगार के मामले में आपका गांव पीछे है? बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। यहाँ रोजगार नहीं के बराबर है? नहीं के बराबर है। तो यहाँ के जो विधायक है रोजगार मुहैया कराने में निष्क्रिय रहे कि सक्रिय रहे कि निष्क्रिय रहे? निष्क्रिय रहे पूरी तरीके से। निष्क्रिय रहे पूरी तरीके से। लगभग अभी और हम लोगों से चर्चा करेंगे, आप मुझे बताइए कि आपके गाँव में यानी इस गाँव में बिजली वगैरह बराबर रहती है? नहीं। पीने का पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था भी नहीं है, फिल्टर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा ही पीना पड़ता है। बिना फिल्टर का पानी, बिना फिल्टर का पानी पीना पड़ता है। तो जब सांसद ने जो विधायक है उनसे चर्चा की क्या अपने संदर्भ में? वो इधर आए ही नहीं ना। अच्छा, वो आए नहीं करके आपकी चर्चा नहीं हो पाई? नहीं हो पाई, आया ही नहीं। और पानी भी नहीं, और वो बोरिंग भी सब फूट फाट है। अच्छा, बोरिंग अभी देखो हैंड भी पूरे फूट फाट है। हैंडपम्प जो है वो टूट गया हुआ है आपके गाँव का, अभी देख सकते हैं। तो टाकी में भी पानी पाउडर वगैरह भी नहीं डालते, कुछ कुछ नहीं डालते, साफ नहीं करते। अच्छा, और 100% क्या बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं, ग्राम स्वच्छता मुहिम नहीं क्या, हगनदारी मुक्त नहीं क्या, फिर संडास नहीं देते नहीं क्या? इस गांव में संडास नहीं है, नहीं है इस गांव में। 600 रुपए में दिया, 600 रुपए में कभी कभी कोई कोई आदमी को दिया, वो तो सब खराब हो गया। तो अभी नहीं का बोल दिया, अभी बोलेंगे ना। से मांग कर रहा हूँ ना क्या, शौचालय की मांग कर रहा हूँ 3 साल से नहीं क्या, मेरे को संडास नहीं दिया, फिर शौचालय नहीं दिया। आवास योजना मिली आपको कोई? किसी नहीं नहीं नहीं, गांव में कोई आवास योजना नहीं। ये जो सारे गांव में आपके जो मकान है ये आपके खुद के बनाए हुए मकान? 2008 से कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। 2008 से इस गांव में कोई योजना नहीं? नहीं नहीं। अच्छा, इस गांव में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आप बताएंगे कुछ? आपल्याला तुम्हाला रोजगारासाठी काही व्यवस्था करून दिली आहे सरकारने? नाही नाही, कोई व्यवस्था नाही करून दिली? नाही, करूनच नाही दिली। कसरल्याला जातून वन मजुरी करतो। अच्छा, वन आणि आप जंगल आणि वन मजुरी आणि काम करते, शेती के काम करते। अच्छा, मुझे बताइए आपके गाँव में महिलाओं का कोई बचत गट वगैरह है? तो उसको कोई डेवलपमेंट हुआ है उस गट का? नहीं हुआ है। यानी उसमें कुछ बिजनेस वगैरह यानी रोजगार वगैरह कुछ नहीं, 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 सिर्फ गढ़ बना हुआ है आपके गांव का नहीं। और उसमें कोई अनुदान वगैरह कुछ नहीं, 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 नहीं। 5 किलो दाना भेटे तो इतना कुटुंबाला किती खावा। अच्छा, तो तुम्हाला हे भेटते का अपना राशन वगैरह? राशन फक्त मानसी 5 किलो, एक आदमी को 5 किलो मिलता है? 5 किलो तो महीना भर पूरते का जी। तो कितने लोग हैं आपके घर में? 2 चौगधन आमी ना, 2 नातनी सहा, 6 लोग हैं आप। हाँ। और 5 ही किलो आपको राशन मिल पाता है? हाँ। तो यानी काफी समस्याएं हैं महिलाओं के इसमें भी, यानी कोई यानी रोजगार के कोई साधन नहीं है यहाँ। आप कुछ बोल रहे थे? अच्छा, बताइए ना क्या समस्या आपकी? कुछ नहीं है मेरे को। अच्छा, लगभग जैसा कि अतिवृष्टि हो, पाउस मुड़े हो, हमारे मकान बिकान गिर गए हो। हाँ। उसके भी कोई अधिकारी और कोई आया ही नहीं और देखा भी नहीं, तहसीलदार भी नहीं आया, कुछ नहीं आया, भी नहीं आया। यानी आपके जो अभी जो बारिश हुई है उसमें जो मकान ढह गए तो अभी तक के कोई नहीं आया? आया नहीं, कोई नहीं देखने आया, देखने आया नहीं। यानी सर्वे वगैरह कुछ नहीं हुआ है आपके गाँव का? पटवारी आया, सर्वे किया, लेकिन अभी किया वो गया। अच्छा। अभी कुछ मिला ही नहीं और कुछ मिला ही काम नहीं, नहीं। कुछ कोई भी आया ही नहीं। क्या लगता है आपके जो विधायक है वो सक्रिय विधायक है कि निष्क्रिय विधायक? निष्क्रिय विधायक ही है वो। तो यानी आपने जैसा उनको चुन के दिया था अपना नेतृत्व के लिए, तो उन्होंने वो नेतृत्व बराबर नहीं किया आपको? नहीं नहीं किया। लगभग हम लोग इस जैसे गांव में अभी जैसे लोगों से और महिलाओं से भी हमने जब चर्चा की तो यहाँ देखने में यह आया कि इस गांव यह विकास के कोसों दूर है, यानी यहाँ विकास नदारद है। यहाँ ना ही शौचालय मिले हैं लोगों को, ना ही यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई मकान बना हुआ है, ना ही इस गाँव में कोई रोजगार है, रोजगार हमी के काम भी नहीं है इस गाँव में। और ना ही साथ ही साथ इस गाँव में तो एक चीज़ हमने जो देखी है, यह गाँव लगभग 50 वर्ष पुराना है, लेकिन आज तक के यहाँ के गांव वालों को खुद के जो जमीन है जहाँ इनके मकान बने हैं उन जमीनों के भी पट्टे नहीं मिले। यानी यह जो पूरी जो जमीन है, इस गांव की जो पूरी जमीन का सीमांकन है, यह वन विभाग के तहत आता है। ऐसा कहकर यहाँ इस गांव में लगभग हर कोई यानी बिना जमीन का मालक है और 50 वर्षों से उस जगह इनके सिर्फ मकान खड़े हैं। लगभग इस गांव में एक सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ एक पानी टंकी बनी है, पानी टंकी को कभी साफ सफाई नहीं होती। यहाँ हैंडपम्प जरूर है इस गांव में, लेकिन वो सारे टूट चुके हैं। ऐसी कई समस्याओं का सामना करते हुए यहाँ के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लगभग यह गांव विकास से कोसों दूर है
और ऐसे गांव को आज हमने जब लोगों से चर्चा की तो उन्होंने बहुत सारी, आपने भी देखा कि कैसे उन्होंने अपनी समस्याओं को हमें बताया है। मैं कैमरामैन नीलेश पशिने के साथ दिशांत भाई। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिए ब्रह्मपुरी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों का रोजगार के बारे में क्या है कहना। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक एंड ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। बेबी। हाँ नहीं मैगी। हाँ प्लीज। ऑसम मैगी। वेज आटा मैगी। आटा मैगी तुम बताते नहीं तो पता नहीं चलता। हाँ कुछ बातें बता देनी चाहिए। रोड ट्रिप सॉन्ग्स ये क्यों? मैं गाऊंगी ना गोवा टू मुंबई, याद नहीं है वो कौन सा गाना था? याद है, याद है, इसीलिए। बुरा गाते हो? बहुत बुरा। अपनों की कुछ बातें सरप्राइज कर जाती हैं, जैसे नई वेज आटा मैगी का ऑसम टेस्ट जिसमें है सुनहरे गेहूं की गुडनेस, रंग बिरंगी सब्जियां और 20 चुनिंदा मसाले। नई वेज आटा मैगी, कुछ अच्छा पकाएं, आओ मैगी बनाएं। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ।